अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा की सीआईए टीम की ओर से रामपुरा में 10 किलो अफीम समेत 3 को काबू किया है। मुकेश जाट नाम का एक व्यक्ति तो रामपुरा में मेबाडा आइसक्रीम का काम करता है। उसने बताया कि वह भीलवाड़ा राजस्थान से 1,00,000 रुपए किलो के हिसाब से अफीम लाकर रामपुरा में अमनदीप और जसविंदर को 1,15,000 के हिसाब से बेचते थे। इससे पहले मुकेश जाट का भाई प्रकाश जाट इन्हें अफीम सप्लाई करता था जो एमपी में जेल में बंद है। तीनों को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान समेत कार पकड़ा है। तीनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसएसपी बठिंडा जी दी हदायतों मुताबिक बठिंडा जिले में नशे के फड़न संबंधी मुहिम चल रही है, जिस संबंधी डीएसपी डी साहब की निगरानी हेठ तजेंद्र सिंह इंचार्ज सीआईए 2 ते टीम के साथ रामपुरा फूल विखे उन्होंने 3 बंदियों नूं राउंड अप किया, जिन्हों तो 10 किलो अफीम बरामद की है। ये राजस्थान तो लिया भीलवाड़ा तो, और इन्हों का मोटर स्पैंड से जोड़ा ये कुल्फिया का काम करते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं, रेहड़ियाँ लाते हैं, तो जोड़े भी डक्के वगैरह वो यूज होंगे ने चैरी वगैरह यूज होंगी है, वो समान के लुको के ये बाईपास वो उपर ज समान रख की जगह पर रख के लिया। हाँ रिमांड लिया एक दिन का रिमांड लिया। अमनदीप सिंह है जसविंदर सिंह, अमनदीप सिंह है चौंके का, जसविंदर है रामपुरा फूल का ही है रामपुरा मंडी का, तो मुकेश जड़ा है राजस्थान का भीलवाड़ा। ये भरा तो है प्रदीप तो भुक्की का है 3.5 क्विंटल भुक्की का राजस्थानी, तो ये अमनदीप भी है 23 किलो का, पर 2016 का है डब वाली होया 23 किलो भुक्की का। ये फिलहाल तो यह 2 बंदे ने जोड़े इन्होंने वास्ते स्पैशली लियाया से, अगे ये थोड़ी थोड़ी करके बेचते हैं। ये 3-4 साल तो रह रहा है इतने जोड़ा गुल्फिया का काम कर रहा है मुकेश जाट, तो ये बंदे पहलों तो काम कर रहे हैं, जिम्मे 16 से तो परचा दर्ज है 23 किलो भुक्की का डब वाली, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। जो बसे वगैरह के उपर जो समान रखने की जगह इन्हों की मोटर स्प्रेंड ही है भी वह कुल्फिया के बेचने जिम्मे डक्के वगैरह होंगे जो यूज होंगे कुल्फी उन्होंने लुका के लिया। हाँ इनफॉर्मेशन के आधार से यह रामपुर यदि कीमत तुम ला लो भी 1.5 लाख के हिसाब न बेचते 15 लाख रुपए हो गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।